आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो ये आपको रूबरू होंगे, डेफिनेट इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है और हम आज इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का ये दो प्रॉब्लम हमने सिलेक्ट किया है आपके लिए। ये एक्सरसाइज 7.4 का ये दो प्रॉब्लम है जो आपको सोल्व करना है, ठीक है सर। देखिए, अब आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। अगर आप जैक बोर्ड से संबंधित है तो आपका एग्जाम एट अबाउट मार्च में स्टार्ट होगा। सीबीएसई बोर्ड से हैं तो भी मार्च में ही स्टार्ट होगा, इन बिटवीन एंड अप्रैल तक खत्म होगा, मतलब स्टार्टिंग अप्रैल तक। तो अब तक आपकी तैयारी शुरू हो गई होगी और आपसे बस यही कहना है, एक ही लाइन कहना है कि अगर यू हैव टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू बी पेनफुल। इट मीन्स कि अगर आपको सक्सेस पानी है, अगर आपको अच्छा परसेंटेज एक्वायर करना है, for that you have to do extremely hard work. Today in this class we will talk about particularly these two questions which are very important in terms or regards of the board examination. सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 4x plus 1 है, नीचे में क्या है 2x square plus x minus 3 है। सबसे पहले ऊपर वाले टर्म को हम इक्वेट करते हैं। किससे इक्वेट करते हैं? एक एक कांस्टेंट देते हैं, ठीक है सर, और इनटू डी बाय डी एक्स और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इससे ये करते हैं और प्लस बी। तो ये चीजें उसके बाद इसको इक्वेट करते हैं, ठीक है सर। 4x प्लस 1 a इनटू a और b यहां पे कांस्टेंट है और इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो गया 4x प्लस 1 और क्या हो गया dx, ठीक है सर, प्लस बी। वो चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो अब इसको इक्वेट करेंगे और a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 4x प्लस 1 बराबर 4ax प्लस a प्लस b। अब यहां से x को इक्वेट करें, ठीक है सर। एक्स का वैल्यू आपको साफ साफ दिख रहा है कि 4a बराबर 4। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 4a, तो 4a बराबर 4 हो गया सर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि हम 4 से 4 को काट देंगे, यानी a बराबर कितना हुआ 1, ठीक है सर, a बराबर कितना हुआ 1। आगे बात करेंगे कि a बराबर तो 1 हो गया, b बराबर क्या होगा, तो a प्लस बी बराबर 1, ठीक है सर। a प्लस बी बराबर 1 है तो b बराबर 1 माइनस a, यानी 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, यानी a और b का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, कैसे सर। देखिए, ये जो आपको इंटीग्रेट करना था वो था 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4x प्लस 1 के जगह हम क्या लिखें, तो आप देख सकते हैं कि 4x प्लस 1 के जगह हम क्या लिखेंगे, तो ये a, a कितना है आपका, a 1 है सर, इनटू 4x प्लस 1 और b कितना है, तो प्लस b, हम इसकी बात कर रहे हैं 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो आप देखेंगे जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो इस टर्म में सेपरेट करेंगे सर, ये अंडर रूट 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और प्लस 0 बाय समथिंग, ये 0 हो जाएगा सर, तो इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, प्लस 0 ये रहने देते हैं सर, प्लस 0 है, ठीक है। तो केवल इसको इंटीग्रेट करना है तो हम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को t मानेंगे। जब हम इसे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को t मानेंगे तो यहां पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x प्लस 1 dx बराबर क्या होगा dt, जो कि आपका यहाँ है, यानी ये वाला टर्म dt बाय रूट t हो जाएगा, यानी 1 बाय रूट 2, रूट t का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट t, यानी आपने t को क्या माना है, आपने माना है t को 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c, तो ये आपका आंसर है। तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा। देखिए मैंने क्या किया, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। 4x प्लस 1 बाई ये था सर,
सबसे पहले ऊपर वाले टर्म को a इंटू डी बाई डी एक्स, नीचे वाला टर्म 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस b किया, फिर 4x प्लस 1 a इंटू 4x प्लस 1 प्लस b हुआ, फिर मैंने क्या किया 4ax बराबर 4 किया, a बराबर 1 आया, a प्लस b कांस्टेंट टर्म है, ये a प्लस b किसके इक्वल है, a 1 के इक्वल है, अगर a 1 है तो b 1 माइनस 1 0 होगा, दोनों का वैल्यू आ गया, हमने सिंपली 4x प्लस 1 ये जो चीज अंडरलाइन किया हुआ है उसमें पुट किया, हमने देखा कि a इंटू 4x प्लस 1 प्लस b बाई इतना 0 बाई समथिंग 0 होता है, तो हमने फिर इसको t माना, जब हमने t माना तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये dx बराबर dt है, यानी ये वाला टर्म जो है dt के बराबर है, यानी dt बाई रूट t हुआ, और हम लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन 2 रूट t होगा यानी प्लस c, यानी आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, आप इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की है इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक सवाल की, जो कि एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी से, और दिवाली आने वाली है, आपको दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं, दिवाली और छठ के बाद हम ऐसे ही वीडियो से रूबरू होंगे और आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो के बारे में रूबरू कराएंगे। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जब हम अगली वीडियो में आएंगे तो फिजिक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियो के बारे में बात करेंगे। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब लाल बटन को दबाएं, उसके बाद कैपिटल को दबाएं, आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से जाएगा और आप इस तरह की रोचक और जानकार वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने